राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू का आज का ये एपिसोड बेहद ख़ास होने वाला है क्योंकि हम बांग्ला फिल्मों की तलाश में पहुंच चुके हैं कोलकाता, जहां हम हैं प्रख्यात फिल्म निर्देशक मृणाल सेन के घर पर। मृणाल सेन जो कि दुनिया भर में भारत के समानांतर सिनेमा के अग्रणी फिल्मकार माने जाते हैं। देश के दो महान फिल्मकारों सत्यजीत रे और ऋत्विक घटक के समकालीन रहे मृणाल सेन 14 मई 1923 को जन्मे। रे और घटक की फिल्मों की तरह ही मृणाल सेन के सिनेमा में सामाजिक यथार्थ का जैसा कलात्मक चित्रण मिलता है वो अभूतपूर्व है। कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज और कोलकाता यूनिवर्सिटी से फिजिक्स की पढ़ाई करने के दौरान ही मृणाल सेन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की सांस्कृतिक इकाई से जुड़ गए थे, जहां कई समान धर्मा सोच वाले साथियों का उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा। हालात कुछ ऐसे बने कि मृणाल दा कोलकाता के एक फिल्म स्टूडियो में बतौर ऑडियो टेक्नीशियन नौकरी करने लगे और यहीं से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर। मृणाल सेन ने अपनी पहली फिल्म 1955 में बनाई, जो कि बांग्ला भाषा में थी। फिल्म का नाम था रात भोर। उसके बाद हिंदी समेत दूसरी भाषाओं की अनेक महत्वपूर्ण फिल्मों से सजा हुआ है उनकी लगभग आधी सदी का फिल्म करियर। आज मृणाल दा अस्वस्थ हैं और यहाँ जब हम उनसे बात कर रहे हैं, उनकी पत्नी मशहूर अभिनेत्री गीता सेन पास के बिस्तर पर हैं। खराब स्वास्थ्य के बीच भी मृणाल दा हमसे बात करने को तैयार हुए हैं, तो हम इसे अपना सौभाग्य मानते हैं। भारतीय सिनेमा की एक सदी से भी ज्यादा के दौर ने एक से बढ़कर एक फिल्में देखी हैं और देखे हैं उनके अनोखे फिल्मकार। मृणाल सेन उन फिल्मकारों में अग्रणी गिने जाते हैं जिन्होंने सिनेमा की भाषा को पुनर्परिभाषित किया और उसकी संभावनाओं का संधान किया। मृणाल सेन के लिए सिनेमा का सबसे अहम काम राजनीतिक पक्ष उकेरना और समय का सच उजागर करना है। इस काम को असरदार ढंग से कहने के लिए मृणाल सेन ने एक ऐसी सूटेबल शैली और सिनेमाई भाषा का विकास किया जो इस पॉपुलर माध्यम से उन लोगों तक पहुंच सके जिन तक वो ये कहानियां पहुंचाना चाहते थे। मृणाल सेन ने अपनी फिल्मों के जरिए न सिर्फ तब तक चली आ रही मुख्यधारा की फिल्मों से अपनी राह अलग कर ली, बल्कि भारतीय समाज की विद्रूपताओं पर उंगली भी रखी। मृणाल सेन की सिनेमाई भाषा में विद्रोह का एक ऐसा रंग देखने को मिला जो बार बार स्थापित छवियों का संहार था। कलकत्ता ट्रिलॉजी नाम से मशहूर तीन फिल्में मृणाल सेन के रचनात्मक जीवन में खास जगह रखती हैं। 1970 से 1973 के बीच बनाई ये फिल्में हैं इंटरव्यू, कलकत्ता 71 और पदातिक। ये फिल्में उस दौर की अक्कासी करती हैं जब नक्सलबाड़ी आंदोलन ने कोलकाता शहर का जनजीवन बदल कर रख दिया था। मृणाल सेन ने समाज और राजनीति के बारीक विषयों को उठाने और स्वाधीन भारत के सामने मौजूद प्रश्नों के मूल में जाने की कोशिश की। विभाजन से प्रभावित खुद एक विस्थापित व्यक्ति के रूप में मृणाल सेन इस सच से अच्छी तरह परिचित थे कि अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों का ही परिणाम था बंगाल का अकाल, जिसमें 30 लाख लोग मर गए थे। अपनी फिल्म 22 श्रावण में उन्होंने अकाल की चपेट में आए मामूली लोगों की कहानी पेश की। अकालेर सन्धाने में भी वो ये सच एक बार फिर सामने लाए कि समय बदलने पर भी गरीब और पिछड़े लोग दमन का शिकार हैं। समय गुजरने के साथ साथ मृणाल सेन ने खुद को सिर्फ बंगला फिल्मों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि भारत की अनेक दूसरी भाषाओं में अपनी पसंद की कहानियां कहते रहे। हिंदी में भुवन शोम वो फिल्म थी जिसने भारतीय दर्शकों को एक बिल्कुल नई तरह की फिल्म से परिचित कराया, जिसमें दृश्यों और संवादों की पूरी शक्ति इस्तेमाल में लाई गई थी।
उन्होंने प्लॉट और घटनाओं को सेकेंडरी रखते हुए भावनाओं को प्राथमिक रखा। 25 बरस तक कठिन नियमों से भरा जीवन बिताने के बाद सोम साहब को अचानक शायद अनजाने ही कुछ अजीब सा लगने लगा। वे रोज रोज की अपनी नीरस जिंदगी से उबने लगे। तो सोम साहब जा पहुंचे एक मशहूर शिकारी के दीवान खाने में। शिकार भलाई मुंदना है और सोम साहब ने तय कर लिया हम भी शिकार खेलेंगे। अपने करीब 50 साल लंबे फिल्म करियर में मृणाल सेन ने 50 के आसपास फिल्में बनाईं। इन फिल्मों के विषय अपने आप में बहुत विविधता लिए हुए भले रहे हों, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन रही, वो थी बेहतर कल का स्वप्न और बहुजन का हित। वैचारिक सिनेमा की दुनिया में मृणाल सेन अपना पृथक स्थान रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मृणाल जी। जो अब तक का फिल्मों में सफर गुजरा आपका, उसे आप कैसे देखते हैं अभी? Nothing in particular except that I wanted to know something about cinema. I wanted to understand cinema. In the beginning, we made a very bad start. Later on, I started learning things. I started learning things gradually. This is part of my life. The essential part of my life is to connect cinema with my life. That is what I have been trying to do. This has nothing to do with what I am doing now. I am not doing anything at the moment. और आप फिल्मों की दुनिया में कैसे पहुंचे? I do not know what to stand by, what to say at the moment. Cinema is very close to me. It was very close to me. But for a long time I am not with cinema. So I can't say tell you what I have to do. आप खास तौर पर अपनी अपनी फिल्मों के लिए यूजुअल टूल जैसे कि कैमरा, साउंड, इन सब चीजों का इस्तेमाल कैसे करते थे? When I made the film Ralbur, absolutely I had no relation with film as such. Parliament के I realized immediately after that it is not my way of doing things. So I have to say something other than I want to say something which is completely divorced from the usual kind of notice you want to convey. I have nothing like that. And I made large number of films. Out of that, I can tell you honestly, very honestly,
I can tell you about a few films which are to my taste. Mm. This is what I have to say. This is precisely the points I make to make. And what should I say? Radhapur is a ridiculous film. That's a ridiculous film. You are asking me about Radhapur. Radhapur, to my mind, is a ridiculous film. I don't want to stand by that film. I've advanced too much from there. I'm a social agent. I'm a social being. I'm a social agent. So I've been trying to say something about how the society to which I belong. And this is possible only when I've done something about it. You started with Akash Kusum. You started with what is that film? Radhapur. That is a rubbish, third dead film. Has nothing to do with me. I made the film and immediately understood this is not me. That is not mine. I wanted to say something other than this, which came to me gradually. How I'm basically, I could realize I'm a social being. How do I want to convey myself through cinema, through what I want to say? And when saying it, I have to be very precise in the sense, what exactly do I mean to say? Nothing to do with Radhapur, nothing to do with many other films of mine. There are a large number of films I made, out of which I can tell you that I have understood and I have realized what I'm going to say. That is exactly what I have been trying to say through my understanding of, cinema. What I have been doing, as I have been learning and also unlearning, when making the film, I started unlearning many things. Through unlearning, I made an attempt to learn. And this is very important to me.
in my way of life. और इस अनलर्निंग की प्रक्रिया में आपकी जर्नी कैसी रही? अनलर्निंग इज नॉट न्यू टू मी. I've been watching things. I've been getting things clear. As a human being, as a social being, I'm very much close to my thinking around me. This is what I have been doing all my life. It was long back when I started making films. It was long back when I started learning cinema. You know, I had to learn as much as I had to unlearn. Unlearning and learning, two things went together. And there, lot of things came up. Quite a lot of things came up. It's a peculiar case. You cannot do without it. It is making and unmaking. This is what I have been doing. And in the process, what do I do? Quite often, I make mistakes. And I want to correct myself. How? These are the things which come to me. Yes, I do manage. I have to manage. Managing is a very important thing. Because it was a sort of challenge. In the beginning, there was hardly anything. Therefore, I started managing things. And while managing, trying to manage, I wanted to get into cinema. It was to my knowledge and belief. Cinema is something which is very close to my idea. It is a continuous fight. When I make a film, it's a continuous fight between myself and my own understanding. I have not that I have always understood everything. I've gone into things which was not mine alone. दादा, आप अपनी फिल्मों में संगीत को एक भाषा की तरह इस्तेमाल कैसे करते हैं?
Music doesn't have a separate entity. It is a part of the entire thing. So I'm not separating music with others. These are the things which have been looking into me. What is your idea of happiness? Happiness? Yes. I'm never happy. I wouldn't say I'm very happy. When I make a film, I feel unhappy all the time. I feel there is something wrong in my understanding of the language of cinema. Why do I always continue to change myself? But what was the lacuna in your thought process? It's not lacuna. It is neither lacuna nor something wrong in thought process. It is always with my the continuous fight with me, myself. While I talk to people. और दादा आप राज्यसभा में भी इतने समय तक सांसद रहे तो राज्यसभा का क्या आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? पार्लियामेंट डज नथिंग टू कंट्रीब्यूट टू मी. पार्लियामेंट हैज नथिंग टू कंट्रीब्यूट टू मी. व्हेनेवर आई मेक ए फिल्म, व्हेनेवर आई गो ऑन टॉकिंग समथिंग, it is very independent. Can we do something for you? I am not feeling well. What is the problem? I have many problems. Do you know how old I am? 93 95. Anyway, so what is the problem? Problem I don't understand. I create my own problems. Mm-hmm. How? To create problems is not difficult at all. For you also. Can you still live without this? Frankly, I'm not in a position to tell you what exactly do I want. I have many ways of tackling my own problems. So, if you come some other time, then I can tell you about other things. I can tell you about what I didn't say, all this, to your questions. Can we give any help for you? How can you help me? You just tell me. How can help me? I need nobody's help. I need myself to correct myself. Correcting is very important aspect of life. और यहाँ मौका है गीता सेन के साथ बात करने का भी, जो कि मृणाल सेन की पत्नी और खुद एक बड़ी मशहूर अभिनेत्री हैं. वो भी यहाँ हैं तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनके फिल्मी सफर के बारे में भी और ये जो निजी जीवन का जो साथ साथ है मृणाल सेन के साथ.
तो गीता दी, ये जो सफर गुजरा मृणाल दा के साथ, वो कैसा रहा? मेरी साथ नाउ आई एम लिविंग मैरिज लाइफ 58 इयर्स, करीब बोलने से कुछ नहीं, वो जो हुआ अपना इस हुआ, तो मेरा आई थिंक आई मीन ही इज नॉट सो गुड। शुरू থেকে এই পর্যন্ত যত সব মুশকিল যে হয়, প্রবলেম যে হয়, ও মাই আপনি পাশ রাখ দিয়া, কবি উনকো নেহি বলি খারা নেহি পূজা নেহি কেসা কুছ তো করো, কবি নেহি বলা, ইসলিয়ে পূজা जो होने दे। कोई ऐसा भी पीरियड था जब के खाना नहीं और ये नहीं, ऐसा भी कोई का पीरियड था लाइफ में? कभी कभी कोई लाइफ प्रॉपर्टी इनाफ ऐसा हुआ, बोल के गया मुझको गीता आज हमें ठीक चाल लिए आसो, डू यू अंडरस्टैंड? या यस गेट, आज चाल लिए आसो, ठीक है। मैं वो जल बॉइल करता हूँ और चावल आने से ही दे देगा, दिया पड़े वो राइस तारी हो जाएगा, दो दो रिओपन No, Gita, I do not manage. I have no one paisa or one rupee. ठीक है, चलो ऐसा करके। फिर उसके बाद फिर अच्छे अच्छे दिन कब से आ गए? अच्छे दिन after after Bhuvan Show, then পদাতিক মাটির বংশ ওড়িয়া ছবি অ্যান্ড তেলেঙ্গানা তেলেঙ্গানা পোতা আবিষ্কার প্রেমের নৃত্য, আফটার দ্যাট ইট ইস ওকে। কুল মিলাকর আচ্ছি জিন্দগি গুজরি আপ লোগোঁ কি আপ সাথ সাথ? ক্যা কহেঙ্গি গীতা জি? He is very, very, very sensitive person and he believes এই বাংলা কথা আছে, গীতা সব পারে, গীতা সেই হি ম্যানেজ এভরিথিং, কাজে বেশ একটা রিল্যাক্স মেজাজে থাকে। ম্যায় উনকি সাথ ঘুম কান বার্লিন ভেনিস শিকাগো টরন্টো অ্যান্ড স্মল ফেস্টিভ্যাল আই ওয়ার্ক উইথ হিম, ভেরি গুড ম্যান, অনেস্ট পার্সন আই থিঙ্ক। How do you know I am honest? How do you know? आपको ऐसे भी कोई नाम याद आते हैं जो
यहाँ आते जाते रहे हों और फिल्म बनाने के दौरान उनसे मुलाकात होती रही, और कुछ ऐसी यादगार कोई बात या कोई ऐसी चीज़ जो आप याद करती हों? बाबा किरणी, सुनील चौधरी, ऋतिक घटक, तापस सेन, बेंगली नाम বিজন ভট্টাচার্য, সৌমিত্র চ্যাটার্জি, উৎপল দত্ত, সুহাসিনী মুলে, মাধবী মুখার্জি, মমতা শঙ্কর। সো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য থিং দাদা, ইউ জাস্ট পুট ইউর হ্যান্ড অন মাই হেড। Thank you, Dada. Thank you very much. I don't thank myself. Because I don't myself that much. गुफ्तगु में ये थे वयोवृद्ध फिल्मकार मृणाल सेन। बढ़ती उम्र और बीमारियों के साथ इतना वक्त उन्होंने हमें दिया, और जितनी भी बातें हो पाईं वो हम अब तक पहुंचा रहे हैं। गुफ्तगु के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। অভিনেতা বলতে যা বোঝায় আমি তা নই, আমি স্টার নই, একেবারেই নই। আমার নাম রঞ্জিত মল্লিক, আমি একটা সাপ্তাহিক পত্রিকায় কাজ করি, থাকি ভবানীপুরে। এই টুকিটাকি কাজ, এই ধরুন প্রুফ দেখা থেকে শুরু করে প্রেসের যাবতীয় কাজ, এটা ওটা, এমনকি বিজ্ঞাপন জোগাড় করা, তাগাদা দেওয়া, সব। ভীষণ আনইভেন্টফুল লাইফ মশাই আমার। আর এইটাই মৃণাল সেনের, ওই যে ভদ্রলোক ছবি টবি করেন, ওনার খুব ভালো লেগে গেল। আমাকে বললেন ঠিক আছে, তোমাকে ওই সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ক্যামেরা নিয়ে তাড়া করবো। দেখো, আচ্ছা বলুন তো মশাই, আপনারা কোনো মানে আছে?